हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन एक्सप्लोरर अभी। और जैसा कि आपको टाइटल से समझ आ गया होगा, ये है पार्ट टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। हम जब गए थे गुजरात बाय रोड, दिल्ली टू हम निकले हुए हैं, दिल्ली टू बाय रोड, दिल्ली टू गुजरात। गुजरात की जितनी भी अट्रैक्शंस हैं, अहमदाबाद है, वडोदरा है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो ये सब हम देख रहे हैं। यहाँ एलिवेटर में दिखाया जा रहा है वर्ल्ड की जितनी भी टॉलेस्ट स्टैचूज हैं, उनका कंपेरिजन हमारे उससे। और अभी हम आ गए यहाँ पे, एक ये डैक बना हुआ है ऊपर, ऑब्जर्वेटरी डैक कहते हैं इसको। और ऐसा ही हमने दुबई में भी देखा था, जो बुर्ज खलीफा है वहाँ पर भी इस तरह का डैक है। और जब हम ऊपर लिफ्ट से आए तो कानों में हमारे कुछ 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 आवाज, वहां दुबई जब हम गए थे वहां पर भी हो रही थी, और यहाँ पर भी जब हम आए तो यहाँ पर भी कानों में कुछ आपको फील हुआ, क्योंकि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो एलिवेटर इतना फास्ट है, आपको ऊपर लेकर आता है। और ऊपर आके आपको देखने के लिए मिलता है ये पूरी नर्मदा नदी, इतना स्पेक्टेक्युलर व्यू है यहाँ से गाइस। और ये सेफ्टी के लिए इन्होंने यहाँ पे ऐसा थोड़ा जाल टाइप का लगा रखा है, तो थोड़ा व्यू देखने में थोड़ी बाधा तो आती है, बट फिर भी आप पास जाके देखोगे तो देख सकते हो। यहाँ से आप 360 डिग्री पे देख सकते हो नर्मदा नदी को, और उसके ऊपर बने हुए उस डैम को और स्टैचू को, और इतना खूबसूरत नज़ारा जंगलों के बीच में। कहते हैं ना, जंगल में मंगल। ऊपर आके आपको एहसास होगा कि जंगल में मंगल किस चीज़ को कहा जाता है। इतनी खूबसूरत ये जगह है कि एक बार तो यहाँ आना जरूर बनता है गाइज। इस जगह की जो नेचुरल ब्यूटी है गाइज, ये आके आपको सम्मोहित ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने प्लान्ड वे में इसको बनाया गया है ना, जैसा कि आपको वीडियो में दिखती है कि ये स्टैचू बहुत बड़ी है, पर जितनी आपको वीडियो में दिखती है गाइज, ये इससे बहुत बहुत इन रियल इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। नीचे ये पूरा इन्होंने एक ऑडिटोरियम टाइप का बना रखा है, उस स्टैचू के नीचे ही एक पूरा हॉल है, एग्जीबिशन हॉल, जिसमें हमारे इंडिया के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी राजा थे, उनका हमारे इंडिया का एकीकरण कैसे हुआ, इस डैम को कब कब बनाने के लिए किस किसने प्रयास किए और कब इस तरीके से बनाया गया। तो आप जब यहाँ आएंगे तो अपने, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं यहाँ पे गाइज, तो उनके लिए ये बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा आई एम श्योर। अगर स्कूल में उन्होंने कुछ सीखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो टाइम लेकर आइए यहाँ पर। और एक एक चीज पढ़ के मैंने और मेरे बेटे ने तो यहाँ पे इतना अच्छे से टाइम स्पेंड किया ना, मेरे हस्बैंड थोड़ा रश कर रहे थे, जल्दी करो, बट वी वर एंजॉइंग सो मच कि हमने यहाँ पे एक एक चीज को बड़ी डिटेल से पढ़ा। कुछ चीजें जो मैं पढ़ के भूल गई थी, तो बेटा अभी क्योंकि जल्दी अभी मतलब मुझसे छोटा है, तो उसने मुझे काफी चीजों का आइडिया दिया। ही इज टेक सेवी ऑल्सो, तो उसने मुझे बताया कि इस चीज को ऐसे करोगे तो इस चीज का यहाँ पे इस तरह की जो स्क्रीन लगी हुई है, आप में उस स्टेट के राजा का वो देख सकते हो। ये देखिए, जैसे यहाँ पे भारत का एकीकरण दिखाया जा रहा है, जगह जगह अलग अलग तरह के राजा हैं, वो जिस जगह का राजा है वहां ले जाओगे तो उसकी डिटेल आपको पूरी स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं आ जाएगी, कि उस राजा ने कहाँ का था, कितने ने उसमें पैदा हुआ। और अभी तक तो मैं इमोशनल थी, आपने देखा अभी अभी मेरा बेटा भी इमोशनल हो गया था ये देख के कि हमारा कंट्री कितने अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है, यहाँ के और ज्यादा मजा आ रहा है, और कितना विजनरी हमारा लीडर है, बहुत कुर्बानियां, बहुत बलिदान हुए अपने एंसेस्टर्स के लिए, एटलीस्ट ग्रेटफुल हो यार सच में कि उन्होंने नॉर्मल लाइफ लीड नहीं करके ये चुना भाई, ये चुना हमारे लिए। और आगे हेड्स ऑफ टू मोदी जी भाई, कोई कुछ भी कहे, यहाँ के जो प्रोग्रेस हमने देखी है, जो विजन हमने देखा है, ओवरवेल्म्ड है हम बहुत ज्यादा, कितना 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 आगे हमारा देश बढ़ रहा है, बस इसी तरीके से बढ़ता रहे, मजा आ जाए कि हम वर्ल्ड लीडर बन जाएं एक दिन। क्या बोलते हो, डोंट गेट इमोशनल, हम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे इस देश को आगे बढ़ाने में, क्या बोलते हो? देखो बस ये है कि जब आप यहाँ पे आके देखोगे ना कि क्या क्या हुआ है, किस किस तरीके से छोटी छोटी चीजों से जोड़ कर एक इंडिया को बनाया गया, इसको कहते हैं तिनका तिनका घोंसला बनाना, तब आपको समझ आएगा कि कितना ही मुश्किल काम कितने ही कम समय में एक साथ करके कई लोगों ने दिखा दिया। What about this government? चाहे आप कुछ बोलो कि ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है, इफ यू रिमेम्बर 2010 देन यू कांट कंप्लेन अबाउट 2023। यस, दिन के बज रहे हैं दोस्तों 11:20, हम यहाँ 9:20 पे आ गए थे, और इतनी अमेजिंग जगह है, थक गई हूँ थोड़ा अभी चलते चलते, तो थोड़ा सा बैठ गई हूँ।
और उसके बाद फिर आगे और चलते हैं, देखते हैं। मुझे ये इस तरह की टेक्नो से भी एग्जीबिशन देखने में मज़ा आ रहा है। आई होप आपको भी मेरे साथ मज़ा आ रहा होगा यहाँ बैठने का अनुभव। बाहर यहाँ पहाड़ है दोस्तों, और डैम है, पानी है, और अंदर ये डोम है। मज़ा आ रहा है यहाँ बैठ के। शहरों ना 2 करोड़ 90 लाख लोगों की जीव रेखा है, जिन्हें हमें पीवाना पानी माटे दूर जाऊं पड़ता था। ये दुनिया की सारी वो मूर्तियां जो बड़ी थी और हमारी टॉलेस्ट थी इसमें से। सी गाइस, ये है पटेल, सरदार पटेल की स्टैचू, और ये मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि इंट्रिकेट एकदम क्या इसमें डिटेलिंग पे काम किया गया है। आप तो वीडियो में देख रहे हो, इन पर्सन आप जाके देखते हो तो आपको लगता है कि एकदम कोई सजीव हो गया आपकी आंखों के आगे, इतना इंट्रिकेट काम किया गया है। दिस वॉज ऑल अबाउट एग्जिबिशन, और चलो अब चलते हैं ऊपर। ऐसे 3 या 4 एक्सलेटर हैं ऊपर जाने के लिए गाइज, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, सीधा ऊपर चलते जाओ, और कितना भी ऊपर 3 या 4 बार एक्सलेटर लेके आप जाओगे, फिर भी आप इसके पैरों के नाखून तक आप मतलब ये स्टैचू जो है सरदार पटेल की, उनके पैरों के नाखून तक भी आप नहीं पहुँच पाएंगे, और वहाँ जाके अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करेंगे। और चारों तरफ का नज़ारा वो तो देख के आपका दिल खुश हो जाएगा एकदम, ऐसा लगेगा कि जिसने भी ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सबसे पहले लेकर आया और जिसने फिर इसको कल्मिनेट किया, सबको थैंक्स बोला जाए। मुझे तो लगता है कि ये 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड घोषित कर देना चाहिए, इतनी खूबसूरत जगह है ये। ये है 2nd एक्सकलेटर और ऊपर जाने के लिए। यहाँ है ये ग्रीनरी और ये डैक बना हुआ है, यहाँ सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं। और ये है नर्मदा नदी, वो है डैम, यहाँ से हमने एंटर किया था। जहाँ हम खड़े हैं इसके नीचे ही आके वो एग्जिबिशन लगी हुई है। ये फर्स्ट एक्सकलेटर दिख रहा है आपको, इससे हम ऊपर आए हैं। ये है पहाड़ियाँ, इससे हम ऊपर आए, यहाँ से हम दोबारा और ऊपर जाएंगे। तो 4-5 एक्सकलेटर चढ़कर हम स्टैचू के लगभग बराबर ऊपर, ऐसा एक कवर्ड एरिया है यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ से आके आप पूरा नज़ारा और भी अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। आई एम तो ओवरवेल्म्ड, मोर देन ओवरवेल्म्ड, बहुत खूबसूरत। और सूरज देवता ने भी थोड़ी कृपा कर दी है, थोड़ा कम दिख रहे हैं अभी, तो और मज़ा आ रहा है। सबसे ऊपर आ चुके हैं हम, और ये चप्पल का सोल जो है वहाँ तक भी हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। और ये तो आप एक बार में देख ही नहीं सकते। तो अब वक्त हो चुका है गाइज वापस लौटने का। हालांकि हमारा टिकट जो था वो हमारा रात तक रुकने का था, उसके अंदर हमारा लेज़र शो भी था, इस डैम पे भी हमें लेके जाते, वहाँ पे साउंड एंड लाइट शो भी था वो भी। लेकिन ईशांक और अनु बार बार ये बोल रहे थे कि आगे सोमनाथ भी जाना है और फिर रात हो जाएगी, तो अच्छा है कि हम टाइम से यहाँ से निकलें। तो लौटते हुए के ये वापसी के दृश्य हैं, और ये यहाँ पर एक फूड कोर्ट भी है गाइज, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, तो वापस लौटते हुए आप यहाँ पे भी खा सकते हैं स्नैक्स। और ये और वापस लौटते हुए वही वो पिंक ऑटो जो लेडीज चलाती हैं वहाँ पर लड़कियाँ, और ये हमें वापस अपनी पार्किंग तक लेकर आएंगे। पार्किंग से वहाँ तक फ्यू किलोमीटर्स का रास्ता है। जाते जाते एक बार फिर देख लीजिए स्टैचू, दूर जा रहे हैं आप, देखिए इतना दूर आ गए, 2-3 किलोमीटर आगे आ गए, फिर भी वो दिखाई दे रही है। हम आए थे यहाँ पर, यहाँ के रिजॉर्ट देखने, इसका नाम है सरदार सरोवर रिजॉर्ट। इसमें पूल भी है, जिम भी है, स्पा भी है, और टैरिफ ये बता रहे थे 6,000 अगर आप रहना चाहें तो।
अभी अभी आ गए हैं हम स्टैचू ऑफ यूनिटी से। हालांकि हमारा जो टिकट था उसमें जंगल सफारी भी थी और क्या था, डैम था, डैम जाके दिखाना, वो उनकी बस थी वो जाके दिखाते, और रात का लेज़र शो भी था। बट क्योंकि हमें सोमनाथ जाना है एंड इट्स वेरी फार अवे, अगर यहाँ रुकते रात को तो आज रात को यहीं कहीं रुकना पड़ता, फिर अगले दिन पूरा दिन वेस्ट होता जाने के लिए। तो नाउ वी हैव डिसाइडेड कि हमने जितना देखना था, एक्सप्लोर करना था, कर लिया। ये दो तीन चीज़ों पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, म्यूज़ियम और ये सब हमने देख लिया था, स्टैचू देख लिया था। तो अभी ये टिकट होने के बावजूद हम नहीं देख रहे हैं एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम यहाँ से निकलते हैं और भावनगर वाले रास्ते से जाते हैं सोमनाथ, ताकि हमारा आगे थोड़ा रन, हमें सैटरडे तक ये ट्रिप ख़त्म करना है तो वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 1 बजे के अराउंड, बस पानी वानी ले रहे हैं यहाँ से और फिर चलते हैं। बीच में यहाँ से सोमनाथ के बीच में भावनगर आएगा, दो रास्ते हैं, एक राजकोट के थ्रू जा सकते हैं और एक भावनगर के थ्रू जा सकते हैं। तो गूगल पे मैंने देखा है कि भावनगर वाला रास्ता जो है वो कोस्टल एरिया के उससे जाएगा, तो वो थोड़ा आई एम होपिंग कि देखने में और ज़्यादा बेटर होगा। तो अभी तक तो यही प्लान है, तो अब चलते हैं भावनगर। तो गाइस बज रहे हैं 1:50 और हम निकल चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से मैकडी में बर्गर्स खाने के बाद, पेट पूजा करने के बाद। अब देखते हैं कि भावनगर यहाँ से कितना दूर है और कितनी देर में पहुँचते हैं। लगभग 2 बजे के अराउंड हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी छोड़ दिया है। रास्ते में शायद वडोदरा आएगा, वडोदरा को हम बाईपास करते हुए निकलेंगे, जैसा भी होगा आगे आपके साथ शेयर करते हैं। अब हम गाइस हम पहुंच चुके हैं आनंद, हमें शहर का नाम पता चल चुका है, शहर का नाम है आनंद और काफी पॉपुलर शहर है गुजरात का। इसका नाम हमने सुना था अमूल, जो दूध है उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, शायद अभी भी आनंद की ही सबसे बड़ी फैक्ट्री यही है गुजरात में, आनंद में अमूल की। तो काफी सुना था इस शहर के बारे में, शहर से निकलेंगे ये नहीं सोचा था, ये भी हो गया। काफी बड़ा शहर है, सब है यहाँ पे, गोल्ड जिम, हाय गाइस वेलकम बैक। अ लिटिल अपडेट, अपडेट ये है कि हम आनंद, जैसे मैंने आपको अपना अभी दिखाया, आनंद से निकले थे। आनंद बहुत बड़ा शहर था, बहुत पॉपुलर शहर था। जब हमने ये मैप बनाया कि हम भावनगर होते हुए सोमनाथ जाएंगे, एट दैट टाइम वी वर नॉट अवेयर कि हम आनंद से होते हुए निकलेंगे, इतना माइन्यूट डिटेल पे हमने काम नहीं किया था। बट नाउ आई एम हैप्पी कि हम आनंद से निकले और जो इतना वर्ल्ड पॉपुलर, इतना वर्ल्ड रिनोन्ड शहर है वो देखा, बहुत बड़ा शहर था। उसके आगे हम जब निकले तो हम आसापुरा एक जगह आई, छोटी सी जगह थी, वहां हम रुके, हमने चाय पी, थोड़ा सा ब्रेक लिया, अन्नू को नींद आ रही थी तो उन्होंने फेस वेस वॉश किया अपना, वहाँ पानी से ऐसे स्प्लैश किया, और एक छोटा सा पतला सा प्यारा सा डॉगी था वहाँ पे, बिल्कुल छोटा बेबी था, काफी भूखा था। तो ईशांग ने वहाँ पे, मैंने फोन कैरी नहीं किया था उस वक्त गाड़ी में ही था, तो उसने वहाँ पे उसको बिस्किट विस्किट खिलाए, पानी पिलाया। अब हम आगे बढ़ गए, ये एक और शहर आ चुका है, पता नहीं कौन सा शहर है ये, बस जस्ट 15-20 मिनट ही हम चले हैं और एक बहुत बड़ा सा शहर ये फिर से आ चुका है। कोल्ड ड्रिंक आ गई है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और शहर का नाम क्या है? जी। इस शहर का नाम क्या है? मेरे नहीं पता। देखो मैंने कहा था ना पूछ के आना। कब कहा था? तभी बोला था ना, तारापुर। अच्छा, ये जगह का नाम है तारापुर। सुरेंद्रनगर ये लिखा, थाना सुरेंद्रनगर। सुरेंद्रनगर भी ये मेन शहर नहीं है, सिर्फ चौराहा है, सुरेंद्रनगर उधर लिखा। कितने जैन मंदिर हैं यहाँ भी, एक गया एक और आया हुआ।
कितना बड़ा है, कितना सोने के बुर्ज बने हुए हैं। अट्ठाईस मिनट और अब हम निकल रहे हैं सुरेंद्र नगर शहर से। यहाँ से राजकोट होना चाहिए 100 के अराउंड और उसके बाद 200 के अराउंड वहां से है सोमनाथ। देखते हैं कितना हम आज कवर कर पाते हैं। हाय गाइस, लिटिल अपडेट, बज रहे हैं 7:16 और स्टिल हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स राजकोट। राजकोट यहाँ से 45 किलोमीटर्स अराउंड है। तो आज का रात का स्टे हम करने का सोच रहे हैं राजकोट में, और राजकोट से फिर 200 किलोमीटर सोमनाथ है जो कल हम जल्दी करेंगे। और अभी हाईवे पे देखते हैं, राजकोट में हाईवे पे ही अगर हमें अच्छा होटल मिल जाता है तो वो ले लेंगे, अगर हाईवे पे नहीं मिलता है तो राजकोट सिटी के अंदर चले जाएंगे, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो यहाँ कम होटल्स दिखाई दे रहे हैं, जंगल टाइप का दिख रहा है। थोड़ी शाम हो गई है जैसा आप देख रहे हो, रोशनी एकदम डाउन हो गई है, एकदम तो नहीं मतलब थोड़ी बची, बस हो जाएगी 10-15 मिनट में रात। तो बस सब चलते हैं, देखते हैं राजकोट में होटल मिलता है कि नहीं। आज का सफर हमने काफी कर लिया है, मतलब काफी किलोमीटर्स चला लिया है। एक बार तो मन कर रहा था कि सोमनाथ ही पहुंचा देते हैं, देखते हैं आगे जो भी होगा आपको अपडेट करती हूँ। का ये हाईवे देखिए, बीच बीच में इस हाईवे पे काफी काम चल रहा है। यहाँ पे तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन बीच बीच में इस हाईवे पे काफी सारे पैचेस हैं जहाँ पे अभी रोड पे काम चल रहा है। तो उतना भी स्मूथ अभी ये नहीं है जितना हम सोच रहे थे कि भाई भावनगर जाते हुए या फिर आनंद से यहाँ पर राजकोट आते हुए अच्छा रहेगा, मतलब वडोदरा से सोमनाथ का सफर। लेकिन अहमदाबाद से वडोदरा वाला हाईवे ज्यादा अच्छा था। इसमें बीच बीच में अच्छे पैचेस हैं और बीच बीच में फिर बुरे वाले पैचेस भी हैं, तो थोड़ा केयरफुल होकर ड्राइव करना पड़ता है। बीच बीच में ऐसी रोड भी है जहाँ पे बीच में डिवाइडिंग लाइन नहीं है, तो उस वजह से और ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। तो रात में पता नहीं कैसे लोग, मैंने एक दो यूट्यूबर्स का देखा था, उन्होंने कैसे ये जर्नी कर ली। इतना आसान मुझे नहीं लगता कि ये होगा रात में ड्राइव करना, क्योंकि काफी बीच में काफी पैचेस हैं। अगर अभी आगे आए तो मैं आपको दिखाऊंगी। चारों तरफ खेत हैं, यहाँ पर खेती काफी होती है। थोड़ी मिट्टी का रंग काला दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो कौन सी खेती होती होगी। वैसे काली मिट्टी में हमने स्कूल में पढ़ा था कि कपास और मूंगफली की खेती ज्यादा होती है, मोटा अनाज ज्यादा होता है, तो मुझे पता नहीं इस सीजन में क्या होता होगा। लेकिन सारे खेत इस वक्त जोते हुए हैं और कंपनी ओन्ड आ गया है ये HP का पेट्रोल पंप। तो कंपनी ओन्ड के ऊपर पेट्रोल की मात्रा बिल्कुल परफेक्ट होती है, तो मिल गया है तो अभी भरवा लेते हैं और थोड़ा फ्रेश भी हो जाते हैं। तो अनिल जी जा रहे हैं ये वॉशरूम, यहाँ थर्ड शिफ्ट में बर्गर्स की सप्लाई शुरू हो गई है और 3000 का हमने पेट्रोल यहाँ से डलवा दिया है HP के पेट्रोल पंप से। तो अगर CNG कार हम लाते तो बहुत नॉमिनल पड़ सकता था, पर उसमें हमारे एयरबैग की उसमें एयरबैग्स नहीं है दोस्तों। अब तो जुबान भी लड़खड़ाने लगी है क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं। दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं, सिटी का नाम है चोटीला, ये राजकोट से जस्ट पहले पड़ता है। तो अगर आपको हाईवे पे होटल्स लेने हैं तो यहाँ चोटीला में भी मुझे काफी होटल्स दिखाई दिए। तो अगर सोमनाथ जाते हुए आपको यहाँ नाइट स्टे करना है, आप रोड ट्रिप कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी होटल्स के ऑप्शन आपको काफी मिल जाएंगे चोटीला में। कितने बड़े बड़े मंदिर हैं गुजरात में, पूरा काम चल रहा है इस हाईवे पे बहुत जोर शोर से, चारों तरफ खुदा पड़ा है। तो रात में तो मेरे ख्याल से चलाने के लायक ये नहीं है, अनलेस यू आर वेरी एक्सपर्ट और यू नो दिस एरिया वेरी वेल। तो हमने गाइस कोशिश की कि हाईवे पर ही, राजकोट के हाईवे पे ही जो सोमनाथ तक जा रहा है उस हाईवे पे हमें होटल मिल जाएं, पर रोड बहुत खराब थी और होटल्स तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे।
तो हम आ चुके हैं राजकोट के अंदर, अब सिटी में अंदर आ गए हैं राजकोट में। ये काफी कंजस्टेड दिखाई दे रही है सिटी, ये वडोदरा जैसी नहीं है, खुली खुली डेंसिटी पॉपुलेशन की काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। आई होप कि इसमें होटल ठीक ठाक हमें मिल जाए, बस रात रात सोना है हमें। काफी भीड़ भाड़ है इस शहर में और बज रहे हैं, मैं आपको बताती चलूं कि बज चुके हैं 8:30, 8:30 बज चुके हैं, 8:30 बजे हम पहुंचे हैं राजकोट। 9:45 बड़ी मुश्किल से ये थोड़े बहुत होटल्स का एरिया मिला है हमें यार राजकोट में, लेट्स सी कहाँ मिल पाता है आगे। गए के बज रहे हैं 11:10 और राजकोट में हम पहुंच चुके हैं, होटल ले लिया है, डिनर करने गए थे, बहुत ज़्यादा किसी ने रेकमेंड किया था चेतना डाइनिंग हॉल करके, बहुत ही ख़राब खाना था गाइस, हाई रिकमेंडेशन गूगल रिव्यू ये वो, मेरा सर चकरा रहा है, कोई इतना गंदा खाना कैसे सर्व कर सकता है, तक गंदा रेस्टोरेंट था, डाइनिंग था फिर भी बहुत ज़्यादा गंदा था, वेटर्स के कपड़े बहुत गंदे थे और पनीर की सब्जी में पनीर ढूंढने पे भी नहीं मिला 2 घंटे। तो मैं तो अभी ट्रॉमा में हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे को ये शहर गाइज नहीं जम रहा है, बहुत ही अजीब सा है, बहुत ही कंजस्टेड गलियाँ, बहुत ही कीचड़, गंदा, अजीब है, सब कुछ अजीब है यहाँ पे। बस अब रात को किसी तरह सो जाते हैं और सुबह उठते हैं और यहाँ से भागते, मैं तो बिना चाय पिए भाग जाऊँगी यहाँ से सोमनाथ। आई विश सोमनाथ साफ सुथरा और बढ़िया शहर हो। अब तक गुजरात का ये शहर तो वो देखो हंस हंस के उसका बुरा हाल हो रहा है, वेरी डिसअपॉइंटेड बाय राजकोट। आई डोंट नो मैंने पुराने उसमें ले लिया या क्या, ये तो बाई चांस होटल ठीक मिल गया, इससे पहले वाला एक होटल हम देख रहे थे उसमें तो गाइस पूरी सीढ़ियों में सुसु की बदबू आ रही थी, जैसे टॉयलेट हो, टॉयलेट के ऊपर ही बना रखा हो, उल्टी आ रही थी मुझे वहाँ पे। और कोई भी पैसे भी कोई सस्ते नहीं, बहुत अच्छा खासा महंगा होटल। उसके बाद भी बाई चांस ये एक ही थी प्रॉपर्टी जो थोड़ी नई सी लग रही थी, ठीक ठाक थी, कहाँ फंस गए सच्ची में। तो डरने की कोई बात नहीं है, एक आधा दिन खराब होगा, हर दिन खराब नहीं होगा, तो अब एंडिंग भी कर लो, बुरा नहीं मानना। तो आज का व्लॉग होता है यहीं पे खत्म, दबा के लाइक और शेयर सब्सक्राइब ठोक देना, और हाँ बस परेशान नहीं होना, हर बुरे दिन के बाद एक अच्छा दिन आता है और कल का दिन अच्छा होगा।